आदरणीय संजय नरूका जी, हमारे यहां से सांसद आदरणीय महंत बालकनाथ जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय ज्ञानदेव आहूजा साहब, आदरणीय संजय शर्मा जी, आदरणीय बलवान जी, आदरणीय इंद्रजीत पाटा जी, रामकिशन जी, संदीप दायमा जी भाई, आदरणीय अशोक अग्रवाल जी, आदरणीय बीका जी, रमन गुलाटी जी भाई, हमीद का मेवाती जी, आदरणीय विजय मीणा जी, आदरणीय सुखवंत जी, हमारे जिला महामंत्री आदरणीय भैया जी, आदरणीय देवेंद्र जी, आदरणीय बुद्धेश जी, इस जिला बैठक में पधारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता भाई और बहनों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने सब बातों को कहा, मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आपने पूरी ताकत लगा करके महंत बाबा बालकनाथ को 3,30,000 वोट जिता करके संसद में भेजा और जिले में जिस तरह का माहौल बना, एक कंपटीशन का माहौल बना, ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं था जो आम जन के साथ जुड़कर के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान नहीं दे रहा। कार्यकर्ता अपने जिस लक्ष्य को लेकर चले थे, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हो, अलवर से लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय बालकनाथ जी भारी बहुमत से जीते, हमारे दोनों लक्ष्य पूरे हुए। और अभी हमारे जैसे आदरणीय ज्ञानदेव जी ने कहा, आदरणीय मदनलाल जी सैनी जिस तरह से हमारे बीच में से अचानक चले गए, हमने अपनी संवेदना उनके प्रति प्रकट की है, उनके चरित्र को देखा है। बहुत सारे कार्यकर्ता हम में से हैं, ज्ञानदेव जी तो उनके सहयोगी थे, साथी थे, काम किया था, लेकिन जीवन का लक्ष्य बनाकर कि मैं जिस पार्टी में हूं, जिस संगठन में हूं, पार्टी जैसा मेरा उपयोग करना चाहती है उतना ही समर्पित भाव से पार्टी के लिए काम करूंगा। आज हमने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, हम सब लोग उनसे प्रेरणा लें। उनका कद पार्टी की वजह से बढ़ा, उनकी कार्यशैली की वजह से बढ़ा, और जब हम उनके पार्थिव देह को जब रात को हमने लगभग 1:45 बजे शाजापुर के बॉर्डर से संजय नरूका जी, संजय शर्मा जी, देवेंद्र जी, भाया जी, मैं और बहुत सारे कार्यकर्ता 24 घंटा तक उनके साथ रहे, जिस तरह से आम जन ने आदरणीय मदन जी सैनी के प्रति समर्पण भावना से जो पुष्प अर्पित किए, वास्तव में मदन जी सैनी अपने कृतित्व के कारण धन्य हो गए। इस बात की आदरणीय ज्ञानदेव जी ने कहा कि कितनी गति बड़ी हस्तियां सारे देश में जो राष्ट्र निर्माण का काम करती है, उनके सारे अपने कार्यक्रम बदल करके एक छोटे से मदन जी सैनी कार्यकर्ता जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष तक रहे, समर्पित भाव से पुष्प अर्पित करने, श्रद्धांजलि देने आए, ये था उनका समर्पण। और इस समर्पण भाव को भी लेके हमको आगे चलना है, उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। आज मुझसे पूर्व वक्ताओं ने सभी बातों को कहा, 3-4 बात में सिर्फ दोहराना चाहता हूं कि वो सब बातें हो चुकी। हर बूथ पर 100 सदस्य बनाना अनिवार्य है, हमारी इकाई है उस पर 100 सदस्य बनने चाहिए। जो सदस्य पहले बन गए हैं उनको भी हमको सूचीबद्ध करना है। आपको एक फार्म मिलेगा, जो शक्ति केंद्र प्रभारी है उनको फार्म मिलेगा, वो बूथ अध्यक्ष को और टीम को देगा जो सदस्य बनाने जाएगा। जैसे अभिराम जी ने सारा इसका प्रेजेंटेशन दिया, उसके साथ साथ आपको उसको हार्ड कॉपी में भरना पड़ेगा। आपसे आग्रह है जो नया सदस्य बनता है उसको एक फार्म में भरे, जो पहले सदस्य है उसकी जानकारी दूसरे फार्म में रखे, उनके सदस्यता क्रमांक, नाम, पता, बूथ का नंबर, एड्रेस, आधार कार्ड है तो वो डालिए, सदस्यता का क्रमांक उसमें डालिए, और पिन कोड, जैसे रामकृष्ण जी ने कहा कि पिन कोड डालना आवश्यक है। पिन कोड के कारण ही जो करोड़ों करोड़ों में से आपकी चीज स्क्रूटनी होकर के आपका जिस इकाई में आप सदस्य बने उसका होगा, हमारे विस्तारक के रूप में भी 7 दिन काम करेगा। इसलिए आपसे आग्रह है, जिसका भी नाम आप विस्तारक के रूप में दें
उनका ये नहीं कि आपको कागज में एक नाम भर दिया, जिले को सूचना दे दी, वो काम खत्म हो गया। वास्तव में एक बूथ में अगर जाएगा तो निश्चित रूप से 100 सदस्य उस वार्ड में उस बूथ पर बन जाएंगे। और उसके बाद हम जो सक्रिय सदस्य साधारण सदस्य बन जाएंगे तो वही व्यक्ति कार्यकर्ता सक्रिय सदस्य बनेगा जो साधारण सदस्य कम से कम 100 बनाएगा। हमारे यहां पर यह आवश्यक रूप से है कि जो 100 सदस्य बनाएगा उसको ही हम सक्रिय सदस्य बनाएंगे। पहले की व्यवस्था अलग थी, पहले बहुत सारे अवसर ऐसे आए चुनाव को ध्यान में रख करके या अन्य बात को इग्नोर करके मैंने कह दिया उसको अध्यक्ष बना दिया, मैंने कह दिया उसको सदस्य बना दिया, पदाधिकारी बना दिया। ये नहीं चलने वाला। एक प्रमाणिकता का पैमाना तय होगा, जो सक्रिय सदस्य बनेगा वही मंडल का, जिले का, प्रांत का पदाधिकारी होगा, जिसमें चाहे हम इधर बैठे हैं चाहे इधर बैठे हैं, उसमें पार्टी कोई कंसेशन करने वाली नहीं है। इसलिए सबसे विनम्र प्रार्थना है कि हम 100 सदस्य कम से कम बनाए। अभी हमारे जैसे कहा कि पंचायत के चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव है, जो पंचायत समिति का चुनाव लड़ना चाहता है क्या जिस वार्ड में उसकी इच्छा है क्या वो व्यक्ति वो 1000 सदस्य वहां नहीं बना सकता क्या? अगर वो सदस्य बनाने जाएगा वो आपको लोकसभा में वोट दिया उसका धन्यवाद देगा, वो जो आपके साथ आया है मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में जिसने सहयोग दिया उसको धन्यवाद देगा, तो उसे कह भी सकता है आपने मोदी जी को वोट दिया था, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, हम उस पार्टी का आपको सदस्य बनाना है वो मना करेगा क्या? जिसको घर मिला है, जिसको गैस मिली है, जिसको बीमा से उसका फ्री इलाज हुआ है, अगर आपने उसे संपर्क किया तो वो मना करेगा क्या कि आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, आपने मोदी जी को के कहने से लोकसभा का वोट दिया, आपने मोदी जी की पार्टी, मोदी जी ने आपको घर दिया, मोदी जी ने आपको गैस कनेक्शन दिया, आप क्या उस पार्टी का सदस्य बनने की इच्छा रखते हैं क्या? अगर 100 घर अगर मान लो बने हैं किसी पंचायत में तो मैं दावे से कह सकता हूं कम से कम 90 लोग ऐसे लोग होंगे जिसको आप सदस्य बना सकते हो, सहमति आराम से दे देंगे। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को सदस्य बनाता है जिंदगी में उसको नहीं भूलता। आज जब भी विजय जी आपने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ली है, जब भी कभी इनसे बात करोगे तो कहोगे साहब उस दिन जिला सभा थी, आदरणीय सांसद जी और सब लोगों ने मिलकर मुझे बीजेपी की सदस्यता दी। आप जहां भी जाओ गांव में आप देखोगे बहुत पुराने पुराने लोग 50-50, 40-40 साल पहले की अपनी रसीद जनसंघ की और बाद में 80 के बाद पार्टी की रसीद दिखाते हैं, साहब मैं तो बहुत पुराना जनसंघी हूँ, मैं तो बहुत पुराना पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। फला व्यक्ति आए थे समरलाल जी, उस समय जिला अध्यक्ष थे, जीतमल जी थे, उस समय मुझको इस गांव में बना करके। अभी कल परसों जब बैठक हो रही थी, अशोक पाठक जी को ध्यान है, संजय जी आपको भी ध्यान है सारी बात, आप खुद गए थे, हम सालिम हुसैन के गांव में कार्यक्रम में गए थे और जीतमल जी, मैं, संजय जी, अशोक पाठक जी उस कार्यक्रम में गए थे। कल जब वो मीटिंग हुई तो अशोक पाठक जी ने उस बात को कहा, मुझे ध्यान है कि हम वहां गए थे तो बहुत सारे लोगों को पार्टी से जोड़ कर आए थे, सबको ध्यान रहता है। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है आप निश्चित रूप से लक्ष्य लेकर चले। जो इधर बैठे हैं मंच पर आसीन है आदरणीय सभी नेता का, ये भी पार्टी के कार्यकर्ता है, मैं इनसे भी विनम्र प्रार्थना करता हूं कि जब अगली जिला बैठक आए तो हम अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए लोग कोई ऐसा नहीं हो जिसने कम से कम 1000 लोगों को सदस्य नहीं बनाया। आप सामने बैठे उनसे आपसे भी मैं आग्रह करता हूं कि आप भी कम से कम 500-500 लोग अपने स्वयं बनाएं। अगर आपने 500-500 लोग स्वयं बनाया और आपने 1000-1000 बनाया तो मैं दावा कर सकता हूं 5 लाख नहीं 5.25 लाख से कम सदस्य नहीं बने। हम बैरोड में गए थे, मैं बरडोद के अध्यक्ष महोदय को, संयोजक को मैं धन्यवाद देता हूं। कल हम गए थे मैं और रामकृष्ण जी, जिस तरह से व्यवस्थित सभा की और उन्होंने कहा कि बहरोड विधानसभा में तो हम सबसे ज्यादा सदस्य बनाएंगे, हम दावा करते हैं कि पूरे जिले में सब मंडलों से ज्यादा बरडोद मंडल अपना 15,000 सदस्य बना के आपको दे। ये सब कार्यकर्ता जब सामूहिक रूप से बैठता है, निर्णय करता है पॉजिटिव, तो उसका जवाब ठीक आता है।
आप सब जानते हो 56 लाख कार्यकर्ता हमारे यहां पर है, 35,000 सक्रिय सदस्य है, और अब की बार तय किया है प्रदेश ने कि हम ऐसे लाभार्थी जिसको केंद्र सरकार की योजना का फायदा मिला उसको भी हम सदस्य बनाएंगे। ऐसे बूथ जहां पर हम हार गए हैं, हमारा बूथ कमजोर है, वहां भी 100 सदस्य बनाएंगे। ऐसे वर्ग जो हमसे अछूते हैं उनको भी हम अपना सदस्य बनाएंगे, ऐसा लक्ष्य लेकर चलेंगे। जिले को जो मेरे चूंकि जिला बहुत बड़ा है और राजस्थान में अलवर जिले की चाहे सदस्यता हो चाहे सहयोग निधि की बात हो या कार्यक्रम की बात हो, कभी राजस्थान में कभी पीछे नहीं रहा। हमारा जिला अलवर फिर अग्रणी रहे, और जिन बातों को लेकर के आदरणीय संजय जी ने, आदरणीय आहूजा साहब ने, सब वक्ताओं ने कहा कि ये 4 साल संघर्ष के हैं। हम विधायक ने जो राजस्थान की विधानसभा में बात रखी, सुबह हमारी चर्चा हुई, आपने जिस तरह से विषय को रखा राजस्थान की विधानसभा